ये बार एसोसिएशन बूंदी की और JCI की जो बहुत अच्छी पहल है, और इससे जो ब्लड बैंक में ब्लड की कमी थी उसको दूर करने में मदद मिलेगी, और लोगों को जो ब्लड की ज़रूरत है उसकी पूर्ति में मदद मिलेगी, और बाकी लोगों को भी जो है और संगठनों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, तो काफ़ी मात्रा में ब्लड इकट्ठा होता रहेगा और ये निरंतर एक गतिविधि बनी रहेगी तो मानवता की सेवा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी शर्मा, सेक्रेटरी साहब संजय जी, सारे पदाधिकारी सब साधुवाद के बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो एडवोकेट्स हैं, नवे जी केसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और एडवोकेट्स हैं जो बड़े उत्साह से यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी मानवता जिंदा है और लंबे समय तक जिंदा रहेगी। रक्तदान को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पर सुधार की जरूरत है सर। प्रशासन स्तर पर ये वाकई चिंता का विषय है, सुधार की तो जरूरत ही है। चिंता का विषय है कि ब्लड बैंक में इतना कम ब्लड रह गया, तब तक भी प्रशासन ने अभी तक कोई पहल नहीं की है, बल्कि बार एसोसिएशन की ये पहल जो है इसीलिए विशेष मायने रखती है कि इन्होंने ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी को महसूस किया और अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक वकील होने के नाते एक अतिरिक्त जिम्मेदारी समाज के प्रति वो महसूस करके ये अभियान शुरू किया है, ये वाकई बहुत सराहनीय है। सर, कई प्रांत या ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान को लेकर कमजोरी आती है, कई तरह की ये प्रांतियाँ प्रशासन के स्तर पर अवेयरनेस कैंप लगा के और जागरूकता और शिक्षा साक्षरता फैला के दूर की जा सकती है। ब्लड का तो ये कायदा है कि 3 महीने बाद नया ब्लड बनता है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो फ्रेश ब्लड बॉडी में जनरेट होता है, इसलिए ब्लड डोनेशन से कभी भी कोई कमजोरी या अदरवाइज कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी में नहीं आती। मैं खुद भी 4 से 5 बार ब्लड डोनेट किया हुआ हूँ, और ब्लड डोनेशन तो वाकई बॉडी के लिए एक अच्छा, एक फ्रेश ब्लड आने से बॉडी में एक नया संचार होता है ब्लड का, इसलिए ये भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया भी एक कैंप लगा के और अपने समाचारों के और चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर सकती है। सर, संस्थाएँ तो रक्तदान शिविर लगाती रहती है, कहीं ना कहीं प्रशासन स्तर पर कई विभाग हैं, हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि हर विभाग में साल का एक कैंप अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये हमारे विचार में है, और अभी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बाद इस बारे में एक मीटिंग आयोजित करके जिला स्तर पर, और एक इसको एक रेगुलर फीचर जो है पंचायत लेवल पे महीने में या 3 महीने में डॉक्टर से सलाह करके एक कैंप का रेगुलरली आयोजन कराने पर विचार करें।